आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है राम असल में भगवान है या इंसान, अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस मुफ्ती यासर नदीम। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं राम जी असल में भगवान थे जो इस संसार इस दुनिया को बनाए हैं, कि वो एक इंसान थे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, बहुत कुछ सच्चाई जानने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम ये देखते हैं सर, जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जो 2000 साल पुरानी वाल्मीकि जो रामायण है, हाँ? उनमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम महान पुरुषता मस्ती, यानी कि राम एक महान पुरुष है। हाँ? तो और जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं राम भगवान मस्ती, राम एक भगवान है। हाँ? तो सर इसका एक ट्रांसलेशन, एक मतलब जो 2000 साल पुराने उसमें मतलब उस महान पुरुष बोल रहे हैं जो रामचरितमानस को भगवान बोल रहे हैं, तो सर इसका। अच्छा, देखो वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान कहा है, मैं आपको लिखा दिखा सकता हूँ। पहला, क्योंकि आप पूरा अध्ययन नहीं करते ना, जरा सा पढ़ लेते हैं, है ना जी। पूरा अध्ययन करेंगे तो राम जी भगवान हैं। जो वाल्मीकि जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र सुनकर आप जनमानस, आप आम पब्लिक ये देख लो कि यह जो महापुरुष हैं यह सामान्य नहीं, ये उनकी कथा से, उनकी लीलाओं से आप निर्णय लो कि ये कौन है, ये भगवान है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है। भाई एक बात बताओ, कुछ चीज़ें जैसे कुछ लोग महापुरुष, अब कोई आदमी एक ही राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, अब बताओ आपके नाम से तरे आज तक? जी बिल्कुल, मेरे नाम से आपके बिल्कुल। फिर तो आप और हम कौन हैं? सामान्य इंसान हैं जी। राम जी के नाम से तर गए तो राम जी कौन है? भगवान। फिर तो जो लक्षण उनमें दिख रहे हैं वो इंसानों वाले हैं ही नहीं, वो सारे लक्षण भगवान वाले हैं। जब लक्षण से समझ में आ रहा कि भगवान है तो कहने की क्या जरूरत है कि भगवान है? आप समझ लो आप जनमानस की भगवान है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। ये कवि जो होते हैं ना, जो लेखक होते हैं श्री वाल्मीकि जैसे महापुरुष, वो ये कहते हैं सारा हम ही लिख देंगे, तुम कहाँ दिमाग लगाओगे, थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ पहचानने में कि ये श्री कृष्ण का उदाहरण ले लेते हैं। दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊंगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसकी मूर्ति बना करके अर्च विग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे, स्वीकार करेंगे। पूरे वैदिक इतिहास के अंदर एक भी महापुरुष के लिए कोई ऐसा उदाहरण किसी प्रमाणिक ग्रंथों में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है रामायण, प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें से एक भी ग्रंथ के अंदर ऐसा उद्धरण कहीं नहीं आता, क्यों नहीं? इन सबसे काफी हटके था सर जी। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मूर्ति पूजा जो सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? सर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो करता ही हूँ सर, और मुझे बिल्कुल सही तो लगता आपको है, सही लगती है ना, आपको सही लगती है इसीलिए करते हैं जी सर। जी सर, अच्छा हम करते नहीं है, वरना हम भी कर रहे होते तो इसका मतलब ये कि हमें गलत लगती है, तो ये सवाल जो है बिल्कुल वाज़ह है इसका जवाब। प्रॉब्लम क्या है इसमें उसको आप सामने रखिए, उसको बताएं जी। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को वो अच्छी चीज नहीं लगती है और उसमें कुछ कमी है तो उसका रीजन क्या है? नहीं उसमें कमी नहीं है, वही कमी है, दोनों में फर्क है। एक तो एक को कुछ कमी है इसका मतलब ठीक है, लेकिन मसलन गिलास वह पूरा फुल नहीं है, पानी कम है लेकिन प्यास फिर भी बुझा देगा, और एक एक गिलास खाली हो, अब आप करते रहे गिलास लगाए मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा, तो मूर्ति पूजा में कमी नहीं है, मूर्ति पूजा ही कमी है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आप जिन मूर्तियों को पूज रहे हैं वो मूर्तियां किसकी हैं? वो मूर्तियां मिट्टी की हैं या मतलब पत्थरों की हैं? चले ठीक है, अगर आप यही कह रहे हैं कि मिट्टी और पत्थर की है, मैंने हालांकि मेरे सवाल का मकसद ये नहीं था, मेरे सवाल का मकसद ये था कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी वो किसकी तस्वीरें हैं? वो तो सर मतलब भगवान की तस्वीरें हैं। कौन भगवान? भगवान जो हमारे मतलब भगवान है, जो हमारे मतलब गॉड है, उनका तस्वीर है, जिनका दो प्रकार का आकार होता है, एक होता है सगुन एक होता है निर्गुण।
ठीक ठीक ओके। तो उनका दो प्रकार का आकार होता है, सगुण और निर्गुण, ठीक है। तो ये आपका जो है आकार है जो सगुण वाला है। तो जिस भगवान ने आपकी जिस भगवान ने इंसानियत को पैदा किया है, ये उसकी तस्वीर है, राइट? उसी की तस्वीर है। आपने देखा उस भगवान को जिसने इस कायनात को पैदा किया? ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसी की तस्वीर है? सर भगवान को मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा उनको, और उन्होंने बताया है कि इस तरह से भगवान थे, जो उनका सगुण आकार था वो इस प्रकार से था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो भगवान है वो निराकार नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ये कब बोला? मैंने बोला वो दोनों है, वो सगुण भी है। तस्वीर तो जब ही बनी है ना। सर देखिए एक्चुअली में क्या है कि भगवान अच्छा और फिर ये भी है कि तस्वीरें तो अलग अलग हैं जी सर। कहीं गणेश की तस्वीर है तो कहीं कृष्ण जी की तस्वीर है तो कहीं राम जी की तस्वीर है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। तो भगवान तो एक है, तस्वीरें उसकी इतनी सारी क्यों है? अच्छा आप ये मान के चल रहे हैं कि वो हर चीज कर सकते हैं, है ना? जी सर अच्छा मर सकते हैं? सर भगवान जो है अगर धरती पर अवतरित होते हैं तो अगर बिल्कुल मरते हैं। राम जी की मृत्यु हुई है, श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई है, क्योंकि वो इंसान जन्म में आए थे कुदरत के। अच्छा जब भगवान मर गए तो अब इस कायनात को कौन चला रहा था? सर भगवान नहीं थे वो, एक्चुअली भगवान के अवतार थे, ठीक है, उनको भी भगवान ही माना जाएगा। तो भगवान के अवतार थे, तो अवतार भगवान थे या भगवान से अलग थे? भगवान के अंश थे सर, जैसे कि सूरज और सूरज का रोशनी दोनों मतलब एक ही जिस चीज से जुड़ा हुआ है, पर दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। अब ठीक है, तो क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि सूरज मौजूद हो और उसकी रोशनी खत्म हो जाए? सर ये भी तो मुमकिन नहीं है सर कि सूरज की रोशनी मौजूद हो और सूरज गायब हो जाए। नहीं, तो इसका मतलब ये कि राम जी कभी मरे नहीं, फिर आप ये मानो? राम जी को तो आप मरा हुआ मान रहे हो, आप कह रहे हो कि राम जी मरे थे। मैं ये बोल रहा था सर कि वो जब संसार भाई आपकी लॉजिक आपके सर, आपने कहा कि राम जी मर गए थे और आपने उनको उसकी मिसाल दी सूरज की रोशनी की, तो जब सूरज मौजूद है तो उसकी रोशनी रहेगी, चाहे जहां भी सूरज हो उसकी रोशनी वहां रहेगी। बिल्कुल सर। तो अगर भगवान मौजूद है तो उसके अवतार को भी हमेशा रहना चाहिए, जबकि उसके अवतार को आपने ये कहा कि वो मर गए। अवतार क्योंकि इंसानी मतलब इस मृत्यु लोक में आए थे ना सर, तो मृत्यु लोक में आने से क्या हुआ कि उनको इंसान का रूप लेना पड़ा, तो इंसान का रूप लिया तो इंसान का जैसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जितने साल जीता है इंसान उतने साल जिया उसी युग में। जैसे द्वापर युग में वो आए थे तो 10,000 मान लीजिए 10,000 साल किसी इंसान की आयु होती है, तो उस हिसाब से। मैं आपसे सवाल किया कि भगवान मर सकते हैं? आपकी इस लॉजिक के मुताबिक भगवान मर नहीं सकते। नहीं सर, भगवान मर नहीं सकते हैं। अभी आपने कहा, हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वो मर सकते हैं। सर मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म में रखा जाए यहाँ पे, कि वो भगवान मतलब जो है अवतार रूप में अवतरित हुए हैं तो वो इंसानी रूप में है। वो देखिए भाई, मैं आपसे सिंपली एक चीज कहता हूँ, एक चीज। बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर गलत है, लॉजिकली गलत है, इरेशनल है, लेकिन मैं आपसे सिंपली एक बात कहता हूँ। आप अगर किसी एक जात को तस्लीम करते हैं, एक एंटिटी को, कि जिसने मुझे आपको और इस सारी दुनिया को क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें उस जात की ही डायरेक्ट इबादत करनी चाहिए। हम क्यों मोहताज हैं मिट्टी और पत्थर के, कि जो मिट्टी और पत्थर उस जात ने बनाई है, वो मिट्टी और पत्थर के जिसमें खुद लाइफ नहीं है, जो हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम ना चाहें तो, हम उसके जरिए अपने खुदा तक क्यों पहुंचे, हम डायरेक्ट खुदा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि आप देख सकते हो कि पंडित जी ने बोला कि यार राम जी भगवान भी थे और महापुरुष भी थे, ठीक है। अगर वो बहुत बेहतरीन इंसान थे, महापुरुष थे, ठीक है, उनमें बहुत सारी क्वालिटी थी जो नॉर्मल इंसानों पे नहीं होती है, या ऐसा बोल सकते एक इंसान पे इतनी क्वालिटी होती है जो और किसी इंसानों पे नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो भगवान हो। जैसे कि आर्य समाज के लोग जो डिबेट कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, तो उसमें क्या बोले कि जो राम जी किसकी पूजा करते थे, ठीक है, मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे, कृष्ण जी मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि यार अगर आप देखोगे कहीं लिखा नहीं है, अगर आप रामायण भी पढ़ोगे, हाँ यस, मूर्ति पूजा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो राम जी जो है वो इंसान थे, ठीक है, महापुरुष थे,
लेकिन वो भगवान नहीं थे जो इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया को क्रिएट किया है। वेदों में भी लिखा हुआ है कि यार एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ठीक है, मतलब इस संसार को एक ईश्वर ने बनाया है। और ये भी लिखा हुआ है कि जो भगवान है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छा और लॉजिकल चीजें मतलब क्लियर की कि अगर कोई चीज है अगर वो उसका आकार आ जाए तो फिर वो निराकार कैसे हुआ। तो अगर जब मूर्ति बनाते हैं तो वो उसकी एक आकार होती है, तो जाहिर सी बात है ये यहीं पे ये चीजें गलत साबित हो जाती है वेदों के साथ, क्योंकि वेदों में ही बोला गया है कि जो हमारा क्रिएटर है, जो भगवान है, वो निराकार है। तो यहाँ मूर्ति तो इससे इस तरीके से साबित ही नहीं होती है वेदों के हिसाब से। और एक चीज और कि जो राम जी थे वो भगवान कैसे हो सकते हैं, मतलब अगर उनका एक ये है कि मतलब जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि मैं बता दूंगा प्रूफ, लेकिन फिर वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मतलब आप भी जानते हो कि इसमें प्रूफ नहीं मिला, तभी तो वो बोल रहे हैं कि आपको खुद से दिमाग लगाना है। अगर प्रूफ होता ये पढ़े हैं ये चीजों को तो वो देते ना हमें कोई प्रूफ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफरेंस बताते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला। सो गाइस ये तो वीडियो, आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि हर किसी को सच्चाई पता चलनी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।